और उज्जैन दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कपिला गौशाला में पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। और ऐसे में इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कपिला गौशाला का भ्रमण कर अवलोकन किया। सीएम ने कपिला गौशाला में गौ माता का पुष्पमाला पहनाकर और तिलक लगाकर पूजन किया और आरती उतारी। इसी दौरान उन्होंने नन्हे बछड़ों को पशु चारा खिलाकर दुलार भी किया है। उन्होंने गौशाला में आधुनिक पशु चारा मशीन समेत अन्य उपकरणों का अवलोकन किया। कपिला गौशाला के अच्युतानंद जी महाराज ने गौशाला में किए गए नवाचार और गौशाला संवर्धन के मास्टर प्लान की जानकारी दी है। विकलांग दिव्यांग ऐसी गौमाता जो सड़क पे घूमती है, प्रत्येक गौमाता को बचाना हम सबका दायित्व है। इसी नाते से सरकार ने प्रबंधन किया है कि गौशालाओं में प्रबंधन बेहतर करते हुए गौशालाओं से संतों को जोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और लगातार गौमाता जो सड़क पे आवारा घूमती है, खास करके ऐसी गौमाता जिससे दूध की संभावना कम है, उनका जीवन बचाने के लिए सरकार ने व्यवस्था जुटाई है और सबको गौ सेवा प्रबंधन से जोड़ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सभी महानगरों में ये बड़ी बड़ी गौशाला नगर निगम के माध्यम से संचालित करा रहे हैं।